अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मीठे से। और यहाँ पे हम लोगों ने दो डिशेस बनाए थे जो कि मुझे अपने इन लॉज पार्सल करना था उन लोगों के लिए, और फिर वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे। बहुत अच्छा बना था, हर कुछ बहुत पसंद आया सबको। और मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी शेयर किया जाए कि मैंने खीर बनाया था और तीखे में मैंने बनाया था मैक्रोनी, तो काफ़ी मज़े का बना था। तो चलें, इसकी रेसिपी आप देख ही रहे होंगे। खीर मिक्स बस सिंपल सी रेसिपी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बहुत लजीज बना था और काफ़ी मिनटों में बन गया था, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था और बहुत अच्छा सा झटपट सा बन गया था। बस इसे जो गर्म करना और ठंडा करना है इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी ये बनता बहुत जल्दी है। तो इसके साथ ही अब हम लोग हमारा जो है वो नेक्स्ट डिश जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत यमी बना था। और बस मैं अब ये रेडी हो चुका है और मैं यहाँ गार्निशिंग कर रही थी और बस मुझे पार्सल करना था तो मैंने इसे पैक करके मैं इसे पैक कर लिया। तो बहुत ही मज़े का बना था, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके साथ ही अब हमारा जो नेक्स्ट डिश है वो स्टार्ट करेंगे हम, तो फ़िलहाल इसे आप इंजॉय करें। जी, यहाँ पे हम लोग मैक्रोनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारे को बॉईल करना है अच्छे से पानी में, और पानी में ऑयल और सॉल्ट ऐड करने हैं। और सॉल्ट और ऑयल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे बॉईल आने तक छोड़ दिया था। और यहाँ पे चिकन भी है, बोनलेस चिकन लेना है, उसको अच्छे से बॉईल करना है, जिंजर और सॉल्ट ऐड करके उसको भी अच्छे से बॉईल करना है, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि वो मिलाकर। और साथ ही साथ दोनों जो है एक जगह हम लोगों ने बॉईल करने के लिए रख दिया कि दोनों साथ ही दोनों काम हो जाए। और यहाँ पर जो है सारे जो हैं वेज, जैसे कि वेजिटेरियन वेजिटेबल जो है हम लोगों ने सारे सौते करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कटिंग करके सौते कर लिया। हल्का सा लाइट, बिल्कुल लाइट सा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और तवे पे कर लें या फ्राई पैन में कर लें, मर्ज़ी आपकी। और यहाँ पर जो है चिकन बॉयल हो चुका था, तो चिकन और एग को जो अच्छे से हम लोगों ने फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर अनियन भी फ्राई हो रहा है हल्का सा, यानी कि सारे जो जितने भी वेजिटेबल हैं सबको फ्राई करना है। और साथ में थोड़ा सा यानी कि हाफ़ टी स्पून के करीब जो है जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी ऐड करना है, और सॉल्ट वगैरह ऐड करने हैं, और जो मसाला आप ऐड कर सकते हैं, आपको जो यानी कि ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और जिनको लाइट पसंद है वो लाइट ऐड कर सकते हैं। काफ़ी यमी बना था। और दो एग हम लोगों ने लिया था, और जितने वेजिटेबल होंगे ना कलर बहुत ज़्यादा कलर अच्छा लगेगा ना, मतलब ज़्यादा हो तो ज़्यादा चलेगा। यहाँ पे हमारे ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, तो काफ़ी इमरजेंसी में बना था, तो कुछ सामान रह गए थे, कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पे साथ ही साथ सोया सॉस भी ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद बस चिकन ऐड करके इसको अच्छे से सौते करना है, उसके बाद फिर इसमें जो बॉयल क्या कहते हैं उसे मैक्रोनी था उसे भी हम ऐड कर देंगे साथ ही साथ, और एग को भी लास्ट में हम ऐड कर देंगे, और काफ़ी यमी बनेगा। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और इन्जॉय करें। काली मिर्च और ज़ीरा का जो है वो हमने पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा हाफ टी स्पून ऐड किया था, और बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। बस मसाले हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था, सॉल्ट ज़ीरा काली मिर्च पेस्ट बना मतलब पाउडर फॉर्म में लिया था, और इसे साथ ही अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स जितना अच्छा मिक्स करेंगे ना इतना अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप मिक्स करने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और सॉल्ट वगैरह चेक करते जाएं कहीं कम तेज़ ना हो जाए, तो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही रेडी हो चुका था, और अब बस यहाँ सर्व कर रही थी मैं, और पार्सल जो है वो मेरा रेडी हो चुका था। तो घर में भी हम लोगों ने खाया, बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था कि जाहिर बात है कुछ बनाओ और पसंद आ जाए तो बहुत यानी कि हक मेहनत की हक अदा हो जाती है, तो वैसे ही हुआ था, बहुत अच्छा बना था। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, बच्चे के साथ साथ बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फ़िलहाल बहुत ही यम्मी था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, तो मैं यहाँ रूम की जो है वो मैं लास्ट जो है टच ले रही थी, और काफ़ी मैसी हो गया था भाई का रूम, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, कलर वगैरह बिल्कुल ख़राब हो गए थे, और फर्नीचर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे भाई के। तो भाई ने कहा कि कुछ सेटिंग वगैरह जो है वो चेंज कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो भाभी जो है वो अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, तो बच्चे नहीं थे, तो मौका अच्छा था। मैंने कहा चलो, हम लोगों ने सोचा कि चलो भाभी को सरप्राइज़ करते हैं कि जब वो आएंगी तो उनको इतना अच्छा सा हमें रूम हम जो है वो रूम देंगे। और कारपेट काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो बस यहाँ पे सामान वगैरह हम लोग निकाल रहे थे, और कलर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदा सा हो गया था, और
बस सब कुछ हम लोगों को चेंज करना था। तो भाई यहाँ पर कलर लिए थे, हम लोगों ने कलर डिसाइड किया, और बहुत मुश्किल काम है कलर डिसाइड करना। कलर क्या कुछ भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल लगता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो हम लोग सभी यहाँ पे कलर डिसाइड कर रहे थे और फाइनली हम लोगों ने चूज़ कर लिया, और कलर वाले भी आकर कलर करके चले गए, और हम लोगों ने सामान भी शिफ्ट कर दिया। तो और बस यहाँ पर मैं भाभी जिस दिन आ रही थी उस दिन मैंने सोचा चलो थोड़ी सी फूलों से अच्छे से उनके इस्तकबाल करते हैं ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये रूम आप देख सकते हैं, रूम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, और कलर भी काफ़ी अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा किया था हम लोगों ने, कुछ कुछ फर्नीचर से मिलकर मैच कलर मैच किया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा था। तो यहाँ मैंने कुछ थोड़े से फूल जो है वो मैंने मंगाए थे, और यहाँ पर बस फूलों से थोड़ी सी गार्निशिंग वगैरह करना था। मतलब मुझे तो कुछ आता नहीं है, बस ऐसे हल्का हल्का सा कर लिया मैंने। तो अभी आप देखते जाइए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस जो समझ आ रहा था बस वो मैं करती जा रही थी। तो यहाँ पर मैं आई लिखी थी, आई से इजहान हो गया, और उस तरफ मैंने एच लिखा था, एच से अब्दुल हादी हो गया, यानी कि हादी। तो बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने मुझे जो समझ आता गया मैं वो करती गई। फाइनली जब वो आई तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और हम भी बहुत खुश हुए कि चलो कुछ अच्छा लगा, मतलब पसंद आ गया उन्हें, हमारी जो है मेहनत वो वसूल हो गई। तो बस कुछ कुछ सामान जो है वो अधूरा रह गया था, और कुछ कुछ जो है वो बस नहीं, सब कुछ सही हो गया था, नहीं के बराबर, यानी कि सब कुछ ही ठीक था माशाल्लाह से, सब सेट था। मतलब बहुत प्यारा लग रहा था रूम भाई का, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे आकर, भाई के बच्चे, और भाभी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और जी मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।